हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कंपैरिजन वीडियो, जहाँ मैं कंपेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश के साथ ये ओजीवा न्यूली लॉन्च्ड इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो इन दोनों में कंपेयर करने वाली हूँ, इनमें क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन से। लास्ट में मैं अपना जो रिकमेंडेशन है वो भी शेयर करूँगी, दोनों में से कौन सा बेटर है। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजीवा ने अपना स्किन केयर रेंज लॉन्च किया है एंड जब से उन्होंने लॉन्च किया है तब से आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू ट्राई सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर स्किन केयर रेंज। मैंने अपने अमेजन हॉल वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स को ट्राई भी कर रही हूँ, बट मुझे लगा इस बार मैं कंपेयर करती हूँ दोनों ब्रांड्स के, दोनों टाइप्स के फेस वॉश में कौन सा वाला बेटर रहेगा, ताकि आप सबको हेल्प हो यू नो टू डिसाइड। सो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दिस वन। ये है मामा अर्थ टी ट्री फोमिंग फेस वॉश एंड इसमें बिल्ट इन ब्रश के साथ आता है, इसमें सिलिकॉन ब्रिसल्स है। इसमें एडवांटेज ये है कि आप इसे अप्लाई करने के साथ साथ अपने फेस को मसाज भी कर सकते हैं, बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि दिन में दो बार आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, दो बार ही अगर आप इस सिलिकॉन ब्रिसल से अपने फेस पर मसाज करेंगे हर रोज, तो उससे फेस पर माइक्रो कट्स हो सकते हैं, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जैसा मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जब भी मैंने एक दो बार इससे अपने फेस को मसाज किया ना, मेरे फेस पर पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम आ गई। तब से मैं सिर्फ इससे फेस वॉश को निकालती थी एंड अपने फिंगर टिप से मसाज करती थी। सो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है और एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन है, देन आपके लिए ये बिल्ट इन ब्रश वाला फीचर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ऑल्दो आजकल इम्प्योरिटीज एंड पोल्यूशन की वजह से लगभग हमारे सभी के ही स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, सो आई थिंक ये बिल्ट इन ब्रश वाला फीचर हमारे लिए डिसएडवांटेज ही होगा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस वन। ये है ओजीवा क्लीन प्लांट बेस्ड इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश। अब ये भी एक फोमिंग फेस वॉश है, बट इसमें कोई भी बिल्ट इन ब्रश फीचर नहीं है। फोमिंग फेस वॉश को आप डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने फिंगर टिप्स में लेकर फिर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ एंड अपने फिंगर टिप से मसाज करती हूँ। सो इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती थी ना, तब इसे कैरी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, बिकॉज ये इतना ज़्यादा बड़ा है एंड ब्रश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इसमें मुझे ट्रैवलिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि कॉम्पैक्ट है इसका साइज़ और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। दैट्स व्हाई आई थिंक पैकेजिंग में मैं इसको रेकमेंड करूँगी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं मामा अर्थ टी ट्री फोमिंग फेस वॉश की। इसके अंदर टी ट्री है ऑब्वियसली एंड सैलिसिलिक एसिड है, नीम ऑयल है, एलोवेरा है एंड साइट्रिक एसिड है। तो इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट्स है सारे स्किन ड्राइंग इन्ग्रीडियंट्स है एक्सेप्ट फॉर एलोवेरा, बट इसमें जो मेजर इन्ग्रीडियंट्स है, जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है, वो ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन आई वुड से, क्योंकि अगर आपकी थोड़ा सा नॉर्मल ऑयली भी है फिर भी आपकी स्किन को ड्राई आउट करेगा ये, क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे आपके स्किन से जो ऑयल है उसे रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई ये अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के लिए ही सिर्फ ये है, क्योंकि विंटर सीजन में ऑयली स्किन में भी ज़्यादा ड्राइनेस हम लोग पसंद नहीं करते। ओजीवा का ये जो फेस वॉश है इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। सो दिस कैन बी यूज्ड बाय ऑल स्किन टाइप्स। इसके अंदर सैफ्रॉन टर्मरिक है। सैफ्रॉन हमारे स्किन रेडियंस के लिए बहुत अच्छा है एंड टर्मरिक हमारे स्किन को कितना ज्यादा अंदर से ब्राइटन करता है, क्लियर बनाता है स्किन को, एंटीसेप्टिक भी है, फाइटो विटामिन सी है। एंड मैं हमेशा आप सबको रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपके फेस पर अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है या फिर फेस में पिंपल मार्क्स है, एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, देन अपने स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फेस वॉश आप दिन में दो बार इस्तेमाल करते हैं, तो अगर फेस वॉश में फाइटो विटामिन सी है देन वो आपके स्किन से जो भी डार्क स्पॉट्स है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, उसे रिमूव बहुत जल्दी करेगा एंड रिमूव करने में भी हेल्प करता है, स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाने में हेल्प करता है।
सैंडलवुड ऑयल है। सैंडलवुड ऑयल अगेन हमारे स्किन से जो भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी अगर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसे रिड्यूस करता है। आंवला एक्सट्रैक्ट, तुलसी, वो भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है उनमें, एंड हमारे स्किन को क्लियर बनाने में, एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। एंड द एक्साइटिंग पार्ट इज कि इस फेस वॉश में विटामिन ई भी है जो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करता है, विच इज़ वाई इस फेस वॉश को इस्तेमाल करने के बाद आपके फेस पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, विच इज़ मोस्ट नीडेड ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। दैट्स वाई मुझे ये फेस वॉश इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश आपके फेस पर एक अलग सा ग्लो आता है एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील होता। बट इसे इस्तेमाल करके आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, एंड मेरी स्किन तो ऑलरेडी ड्राई है तो मुझे और भी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई पैचेस आ जाते हैं, बट इसे इस्तेमाल करके ऐसा बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द केमिकल्स प्रेजेंट इन दीज टू फेस वॉशेस। अब मामाअर्थ का ये जो फेस वॉश है इसमें कोई पैराबेन नहीं है, SLS नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है एंड वीगन है। ओजीवा का फेस वॉश भी वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, क्लिनिकली टेस्टेड है, बट इसमें जो मेन पॉइंट है वो है दिस इज क्लीन एंड प्लांट बेस्ड। सो I really wanted to check कि clean plant-based products में जब मैंने देखा ना, ओजीवा के health care products में भी plant-based होते हैं, and skin care range जब उन्होंने launch किया तब भी मैंने देखा उनके website पे that these are clean plant-based. So I wanted to know the difference between. तो इसी वजह से मैंने इन दोनों face wash में comparison के लिए मैंने इसे इस्तेमाल किया, पूरा ये पूरा ख़त्म हो चुका है, then मैं इसे इस्तेमाल किया, and जो difference है जब आप clean plant-based products को इस्तेमाल करेंगे comparatively result आपको जल्दी मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में। ये थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी में है, दोनों ही फोमिंग फेस वॉश है बट इट्स क्वाइट वाटरी, बट ये थिक फोम है, हालांकि ये भी फोमिंग फेस वॉश ही है। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस की। इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है बट द फ्रेग्रेंस इज सो रिफ्रेशिंग। मुझे इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगता है बट इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इसमें फ्रेग्रेंस उतना ज़्यादा नहीं है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है बिल्कुल। प्राइस की अगर बात करें तो मामाअर्थ का ये बिल्ट इन ब्रश के साथ जो फेस वॉश आता है ये 150 ml का है एंड इसका प्राइस है 399 rupees। ओजीवा का ये पैकेजिंग 100 ml का है एंड इसका प्राइस है 449 rupees। अब कंक्लूशन की बारी, मैं कौन सा रेकमेंड करूंगी आप सबको। अब देखिए, अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है देन आपके लिए ये सूटेबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर यू। एंड मैं आप सबको रेकमेंड भी करूंगी कि आप इस तरीके के बिल्ट इन ब्रश से दिन में 2 बार अपने फेस को बिल्कुल भी मसाज ना करें, दैट्स हार्मफुल फॉर योर फेस। तो इस फीचर को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, दैट्स वाई इट्स ऑफ नो यूज। अब अगर इसकी बात करें पैकेजिंग में, मैं मुझे ये अच्छा लगा। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा ज़्यादा है आई नो एज कम्पेयर टू दिस वन, बट इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग ऑन दिस क्योंकि ये काफ़ी कम क्वांटिटी में चाहिए। इसमें बिल्ट इन ब्रश फीचर है जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रश की वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट इसमें डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड कोई ब्रश नहीं है, सो प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं होता। बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए इसे क्योंकि इसका जो फोम है वो काफ़ी थिक है, दैट्स वाई प्रोडक्ट जो है वो कम अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा दिनों तक ये चलेगी। तो आई थिंक इसमें इन्वेस्ट करना वुड बी अ स्मार्टर डिसीजन क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मुझे इस्तेमाल करके मेरे फेस पर कोई भी ब्रेकआउट की प्रॉब्लम फील नहीं हुई। इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ मेड आउट ऑफ क्लीन एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। सो मैं रेकमेंड करूंगी ओजीवा क्लीन प्लांट बेस्ड फेस वॉश को एंड इसे टीनेजर्स, मेन, वुमेन सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय।